यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बरेली से दिल्ली जा रही रोडवेज बस मुरादाबाद से बरेली जा रहे डीसीएम से भिड़ंत हो गई, जिसमें डीसीएम के चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में बैठे करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी आ रही थी रास्ते में, बीच में टकरा गई एकदम, बहुत बुरी हालात चल रही है इस टाइम, खराब हो जाएगी इनका मामला। कहाँ कहाँ से, किस किस में हादसा हुआ है? रोड बेस थी और गाड़ी में होती आ रही थी छोटा डीसीएम इनको हुआ, डीएल गाड़ी, डीएल नंबर है गाड़ी का। कितने लोग घायल हो गए होंगे? दो लोग घायल हुए, रोड बेस पता नहीं सर। कितने, 8-10 लोग बताया जा रहे हैं? 8-10 लोग बताया जा रहा है जी, 8-10 लोग घायल हुए हैं, और उसमें भी आगे थे डिलीवर जो है उसके आगे छोटे हाथी के, उनकी जान खतरे में। लगभग 8:30 बजे के समय पनबड़िया पुल के पास एक रोडवेज की बस और डीसीएम में भिड़ंत हुई है, जिसमें डीसीएम चालक की वहीं ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। उसको डिक्लेयर करने के बाद मॉर्चरी में रखवा दिया गया। उसके अलावा अन्य दो लोग घायल अवस्था में आए थे, जिनको प्राथमिक उपचार के उपरांत उनको घर भेज दिया गया।